वही पानी आप बर्फ वाला निकाल कर फिर से ऐसे रखोगे तो क्या बन जाता है? सादा पानी, फिर से पानी बन जाता है ना। तो तीन शक्ल हुई ना, एक पानी की शक्ल यानी उसको बोलते हैं माय, जो लिक्विड फॉर्म में रहता है ना, जैसे तेल हो गया, शरबत हो गया, दूध हो गया, ये सब पानी के जैसे रहते हैं ना, तो ये इस शक्ल को बोलते हैं माय। माय माय समझ में आया। और ठोस इसको बोलते हैं, जैसे बर्फ बन गया ठोस, ठोस यानी कड़क, इसको हम छू सकते हैं ना, बर्फ को हाथ में ले सकते हैं ना, कितना ठोस रहता है, कितना कड़क रहता है ना, तो ठोस हो गया, ठीक है। और तीसरा हो गया गैस। गैस मतलब जो हम जब पानी को खौलाते हैं तो वो भाप बन के ऊपर उठता है ना। देखो कभी तुम पानी को खौला रहे हो, उसके ऊपर ढक्कन रख दो, फिर जब ढक्कन हटाते हो तो देखो उसमें पानी की बूंदे 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 रहती है, वो क्या करता है, वो भाप बन के जब उठता है, उसको जगह नहीं मिलती तो उसमें छप जाता है, फिर वो पानी बन जाता है, समझ रहे हैं। जैसे नदी नाले तालाब का पानी रहता है, कितना रहता है पानी, लेकिन गर्मी में कम हो जाता है, कैसे कम होता है? धूप की वजह से। धूप की वजह से, वेरी गुड। कैसे धूप की वजह से? वो उसके वजह से, वो किसके वजह से? धूप की वजह से गर्म पड़ता है, तो जो भी पानी, धूप किसकी वजह से ज्यादा पड़ती है? गर्मी। सूरज, सूरज की वजह से ज्यादा गर्मी पड़ती है ना। सूरज क्या है? गर्म, हीट देता है, गर्मी देता है, तो जिसकी वजह से गर्मी समंदर का पानी क्या करती है? सोखती है, तो वो भाप बनकर उड़कर कहाँ जाता है? बादलों में जाता है। जब वो बादल में जाता है, बादल में पूरा पानी भर जाता है, तो बादल क्या हो जाते हैं? भारी हो जाते हैं। जब बादल भारी हो जाते हैं, जब भाप बन के पानी आसमान में जाता है ना, तो पूरा पानी आसमान में जमा हो जाता है, तो बादल क्या हो जाते हैं? भारी हो जाते हैं। और बादल देखो चलते हुए, तुम लोगों ने देखे ना, बादल भी चलते रहते हैं ना, तो बादल चलते चलते फिर जब भारी भारी बादल आपस में से टकराते हैं तब फिर बारिश होने लगती है। समझ में आया बारिश कैसे होती है और पानी कैसे कैसे रूप बदलता है। इस नज़म में शायर यही कह रहा है कि पानी क्या है? हर सांचे में, हर बर्तन में ढल जाता है, कितनी रूप ले लेता है और बारिश भी करता है। और जब बारिश होती है तो हर जगह क्या होता है? हरियाली हरियाली रहती है, और फिर वो पानी जमा करके लोग खेती भी करते हैं। समझ में आया। और पानी से ही क्या है? हमारी जिंदगी है। अगर पानी है तो हमारी जिंदगी है, हमारी जान है। अगर पानी नहीं है तो क्या है? हमारी जिंदगी नहीं है, किसी की भी जिंदगी नहीं रहेगी, जिंदगी खत्म, दुनिया खत्म। समझा? समझा? कोई सवाल है अभी? कुछ भी सवाल नहीं है आपके जहन में? नहीं।